हमारे साथ कल्पना सोरेन जी हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की अर्धांगिनी हैं। इन्होंने ईडी के द्वारा लैंड स्कैम में पति की गिरफ्तारी के बहुत कम अवधि में एक प्रखर एवं मुखर नेत्री के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। कल्पना जी, आपका पीटीआई की तरफ से स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है कि राजनीति ज्वाइन करने के बाद आपने पीटीआई को प्रथम इंटरव्यू के लिए चुना। जोहार है आप सभी को और आपकी पूरी टीम को, पीटीआई को। और मैं ये पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है नमिता जी, और मुझे लगता है कि ये पहला इंटरव्यू आपके द्वारा किया जा रहा है, मैं भी पहली बार दे रही हूँ, तो मैं अपने आप को एक ये मानूंगी कि पहली बार इतने दिनों के बाद, इतना भागा दौड़ी के बाद आपके साथ कुछ क्षण एक बैठ के बातें करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल्पना जी, क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि आप राजनीति में कदम रखेंगी? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जो आपने यह कदम उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि आपकी छवि अभी तक एक समर्पित होममेकर के रूप में थी, एक समर्पित पत्नी, एक समर्पित माँ। आपने जैसे देखी परिस्थिति की बात की, 31 जनवरी के बाद से स्थिति परिस्थिति बहुत बदल गई। जिम्मेदारियां हमारे जैसे पारिवारिक रूप पे बहू के रूप में, पत्नी माँ के रूप में थी, 31 तारीख के बाद में ऐसा बदलाव आया कि हेमंत जी ईडी की गिरफ्त में हो गए। उसके बाद हम लोगों का राजनीतिक जीवन में, क्योंकि हमारे उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेतागण हैं, गठबंधन है, सब बहुत चिंतित हो गए कि क्या होगा। अब उसी बीच में कार्यकर्ताओं का इस तरीके से आया कि आपको आना पड़ेगा सामने, और जब उन लोगों का इतना रुझान, इतना प्यार उनके अपने नेता के लिए मैंने देखा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये मेरी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उस खालीपन को अपनी तरफ से भरने का पूरा कोशिश करूं, क्योंकि जब तक हेमंत जी नहीं आते हैं तो इसको तो आगे हमको प्रखर रूप से आगे बढ़ाना ही था। तो इसलिए मैंने सोचा, और पार्टी की तरफ से भी जिम्मेदारी आई, गिरधिशम गुरु शिबू सोरेन जी की भी तरफ से जिम्मेदारी आई कि आपको इसको आगे लेकर के बढ़ना है। अच्छा कल्पना जी, क्या हेमंत जी को कभी ऐसा एहसास था कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ेगी या चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि आपने गांडे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन भी फाइल किया है? जी देखिए, इसमें जैसे ईडी का आप लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को भी इंटरोगेशन हुआ था। इंटरोगेशन बहुत देर तक चला था, शाम को, रात को मुझे लगता है 8:30-9 बजे तक उन लोगों का इंटरोगेशन चला था। 20 जनवरी। हाँ हाँ जी, 20 जनवरी इसी साल का। तो हम लोगों ने सोचा था ठीक है, जाएगा तो थोड़ा लंबा ही जाएगा, लेकिन जाते जाते हम लोगों ने सोचा कि 31 तारीख को भी ये उसी तरीके से होगा, थोड़ा लेट होगा। लेकिन शाम होते होते ये खबर आई, उन्होंने बताया कि अब हम इनको गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से सारी चीजें हमारे सामने आई, तो एक खलबलाहट हो गई सबके अंदर में, पार्टी के अंदर में, परिवार के अंदर में, गठबंधन के अंदर में, झारखंड के अंदर में, कि अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि किसी ने भी ये ऐसा सोचा ही नहीं था कि हेमंत जी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसके लिए मानसिक रूप से तो तैयार नहीं ही थे, और वो खलबलाहट के साथ में बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि घर के अंदर में भी तनाव बढ़ गया, पार्टी के अंदर में भी तनाव बढ़ गया, सरकार के अंदर में भी तनाव बढ़ गया था, तो वो स्थिति थोड़ी सी अलग चिंतनीय भी हो गई थी और थोड़ी सी अलग भी हो गई थी। आपको ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि गिरफ्तारी होने वाली? हाँ जी, वो जब इंट्रोगेशन कर रहे थे उसी के बाद ही पता चला कि अब ये लोग इनको गिरफ्तार करने वाले। ईडी के ऑफिशियल्स ने आपको कॉल किया? आपको पहला कॉल किया? नहीं, वहीं पे ही इंट्रोगेशन हो रहा था, वहीं पे ही बोला कि अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। अच्छा, आप भी थी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं तो बाहर में थी। जब उनके पास ये आई तो खबर बाहर में आई कि अब ये लोग इस प्रोसीजर में आगे जाना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है हेमंत जी पूर्णतः निरपराध हैं, या ऐसा क्यों हुआ? मेरी तरफ से मैं जितना जानती हूँ, या जितने हमारे वकील जी बोलते हैं, जो भी ये केस बनाया गया है उस रूप से अगर आप देखा जाए तो ये हेमंत जी पूरे के पूरे एकदम मैं बोलूँगी उनकी कोई गलती नहीं है, और ये इनको फंसाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए ये केस रचा गया है। ईडी का कहना है कि लैंड का पोजीशन उनके पास है,
8 एकड़ से थोड़ा ज्यादा जिस मामले में उनकी देखिए, मैं इसमें यही चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस बिना पर मैं आज हेमंत जी को जेल के अंदर में डाला गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो जमीन है वो भुयरी जमीन है। भुयरी जमीन का मतलब ही ये होता है कि वो जमीन ना कभी किसी को बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। जब अगर कोई जमीन बेची या खरीदी ही नहीं जा सकती है तो वो हेमंत जी के नाम पे कैसे हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर हम आते हैं कि अब प्रमाण की बात करेंगे, अगर आपके पास कोई कागज है तो अगर कोई ये बेची और खरीदी नहीं जा सकती, हेमंत जी ने कभी इसको खरीदा ही नहीं है, तो आप कागज कहाँ से लाएंगे। और इनके पास में कोई प्रमाण नहीं है, कोई कागजी प्रमाण नहीं है कि ये हेमंत जी की या कहीं पे लिखा होगी ये हेमंत सोरेन जी की ये जमीन है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये पूरा का पूरा जो इन्होंने केस बनाया है ये पूरा का पूरा गलत केस है। जी जी, तो इसके पीछे आपको लगता है कैसी ताकतें हैं या केंद्र का हाथ है? देखिए, मैं तो यही बोलूंगी, आज जिस तरीके से सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिस तरीके से काम कर रही है, ये मेरा भी एक प्रश्न आपकी तरफ से आप जरूर पूछेगा कि क्यों सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में नहीं होती है, जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है ये सारी की सारी कार्यवाही आप वहीं करते हैं, और अगर आपकी भाजपा शासित राज्यों में ये कार्यवाही होती है तो वो बहुत जल्दी बंद क्यों हो जाती है। और इस केस में जहां हम बात करें हेमंत सोरेन जी के केस में, इस केस में कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और सारी की सारी एक षड्यंत्र करके इन्होंने ये केस बनाया है। और इसमें हेमंत जी का, और ये आप देखिए, आज दो तारीख हो गया है, 3 महीना हो रहा है, जब आपके पास पूरे 3 महीने हो गए हैं, जब कोई कागज नहीं है, जब कोई प्रमाण नहीं है, तो आप किस बिना पर में हेमंत जी को अंदर में जेल के अंदर में रखे हुए हैं। जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट और लोकल कोर्ट से, पीएमएलए कोर्ट से आपने याचिका दायर करी हुई है? हाँ जी, हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं कि, और यही मुझे तो आशा है और पूरा विश्वास भी जरूर है कि न्यायपालिका जरूर हमारे साथ में और हमारे हमारे लिए ही अब ये फैसला सुनाएगी, क्योंकि जो तथ्य हम लोगों को सामने में नजर आए हैं वहां पर में कहीं पे भी हेमंत जी का नाम नहीं है और उस जमीन से हेमंत जी का कोई ताल्लुकात नहीं है। जी जी, आपके बच्चों के स्कूलों में आपको एक ऐसी माँ के रूप में देखा जाता है जो बच्चों के भविष्य को लेकर काफी गंभीर हैं और स्वयं उनकी पढ़ाई का ख्याल रखती हैं। वर्तमान परिस्थिति में क्या आप परिवार की ओर, बच्चों की ओर ध्यान दे पा रही हैं? अभी आप मुझे देख ही रहे हैं, 31 जनवरी के बाद से जिंदगी बहुत ज्यादा उलट पुलट गई है और इस उलट पुलट के साथ में जिम्मेदारियां बढ़ भी गई हैं। अब इसके साथ ये हो रहा है कि मेरा जो पारिवारिक जीवन जैसा पहले था उससे थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा है, कोर्ट कचहरी के भी मामले रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, पार्टी की है जिम्मेदारी, उनको भी देखना पड़ता है, घर में हमारे बुजुर्ग माँ पिताजी हैं उन लोगों को भी देखना पड़ता है, तो एक साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। और बच्चों के लिए तो मैं यही कहूंगी कि समय के साथ उनकी भी एक समझदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी कम उम्र में उन्होंने बहुत ज्यादा देख लिया है, तो लेकिन बच्चों से यही है कि उन लोगों ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है। और अभी थोड़ा वक्त कम बीत पाता है क्योंकि आप देख रहे हैं चुनाव हैं, तो चुनाव में तो आप अपने एक जगह में रह नहीं सकते हैं और ऊपर से साथ ही साथ मुझे स्टार प्रचारक भी बनाया गया है, तो बाकी के लोकसभा क्षेत्रों में भी मुझे जाना पड़ता है, तो थोड़ा अभी जिंदगी दूसरी दिशा में है, थोड़ा पारिवारिक जीवन से थोड़ा सा दूर जरूर हो गए हैं। ऐसे में क्या आपके अपने पेरेंट्स का सपोर्ट भी आपके पास है, आपके साथ है? जी जी जी, पूरा मेरे ससुराल तरफ से भी है और मेरी माँ अपने मैटरनल तरफ से भी हैं, बल्कि साथ में मेरे पिताजी और मेरी बहन जो हैं वो मेरे साथ हमेशा कैंपेनिंग में रहते हैं। अच्छा, और आपके पिताजी और आपकी बहन, हाँ जी, हाँ क्या जी, करते हैं वो दोनों? अभी मेरे पिताजी तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनके अंदर में जो एक जज्बा रहा था पहले से भी, तो अभी अपने बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए वो पूरे प्रखर होकर के मेरे साथ हर जगह में जा रहे हैं, और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ में पूरा चल रही हैं, और घर में क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए मेरी माँ है और मेरी सासू माँ भी हैं, और ये लोग सब मिल करके बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो मिल करके आप ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार एकजुट होकर के काम कर रहा है और अपने अपने क्षेत्र को लेकर के सब आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, आपकी हेमंत जी से लगातार मुलाकातें हो रही हैं, क्या संदेश देते हैं वो आपको? देखिए, हफ्ते में एक दिन की मुलाकात है, लेकिन वो एक मुलाकात
कहने को तो क्षण भर की होती है, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए बहुत है। और हेमंत जी की बातें ही अपने में इतनी ऊर्जावान रहती है कि वो हम लोगों के अंदर में, वैसे भी मेरे मेरे द्वारा जो ताकत आती है, मैं बाकी बाहर में अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी बताती हूँ, बाकी जितने हमारे नेतागण हैं उनको भी मैं बताती हूँ कि किस प्रखरता से वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और ये युद्ध है, ये एक लड़ाई है, ये एक प्रतिस्पर्धा है, ये चुनाव। अब आपको यही दिखाना है कि झारखंड को हम लोगों को बहुत सही रास्ते पे लेकर के जाना है। जैसे हम पहले चल रहे थे, विकास की गाड़ी को जैसे बढ़ा रहे थे, तो मजबूती के साथ उसको वो काम जरूर करना है। आपने कहा है कि झारखंड के डीएनए में मनोबल में झुकना नहीं लिखा हुआ है। हेमंत जी को कैसा पाती हैं आप 90 डेज के बाद जब उनसे मिलती हैं, उनके मनोबल में किसी चीज में कोई बदलाव? हेमंत जी बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और मैं आपको बता दूं कि वो जितनी मजबूती के साथ पहले काम करते थे, अब जब भी हेमंत जी आएंगे आप उनका एक नया स्वरूप देखेंगे। जी, हेमंत जी की गिरफ्तारी के बाद जब अटकलें लगाई जा रही थीं कि आप नई मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो आपके परिवार के ही कुछ लोगों ने आपका मुखर होकर विरोध किया। दुर्गा सोरेन जी की पत्नी ने तो सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर दिया कि वो आपके नेतृत्व को नहीं मानती हैं, और बाद में विद्रोह कर जेएमएम छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसे आप कैसा देखती हैं? देखिए, अभी मैं राजनीति में नई आई हूं और मैं अपने आप को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही मानती हूँ। और ये जो सिपाही है, ये वो हर वो काम करता है जो उनके आलाकमान उनको बताते हैं। और मेरा कर्तव्य सिर्फ उतना बनता है कि हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे हेमंत जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनके जो भी निशा निर्देश होते हैं, मुझे उसी पे ही आगे बढ़ना है। और मुझे बाकी और किसी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने, हेमंत जी ने अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने झारखंड वासियों के हित के बारे में ही सोचा है। तो सिर्फ मेरा ध्यान उधर ही केंद्रित रहता है, उनके आदेशों का पालन करना ही रहता है। ये जो बगावत का स्वर मुखर हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जेएमएम छोड़ दिया इतने वर्षों के बाद, तो आपको कैसा लगा? या आप लोगों की तरफ से कोई एफर्ट हुआ कि उनको वापस इस फोल्ड में लाया जाए? देखिए, मैं मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना होगा कि वो बड़ी हैं, और उनके जो जिनों जो, जो आ, उन्होंने अपनी ये कदम बढ़ाया है, ये उनका अपना निजी कारण है। तो मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगी, बस एक छोटी बहन होने के नाते मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जरूर देना चाहूंगी। जी, हेमंत सोरेन जी के छोटे भाई बसंत सोरेन जी रांची के इंडिया ब्लॉक की रैली में नजर नहीं आए, जिसमें आपने भी काफी अच्छा स्पीच वगैरह दिया। कयास लगाया जा रहा था कि उनके तेवर भी बागी हो गए हैं। आप कृपया इस पर प्रकाश डालें कि जेएमएम में कितनी एकता है और कहीं पार्टी बिखराव की ओर तो नहीं बढ़ रही। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल छोटा सा जी पूछूं, जी ये आपकी उलगुलान न्याय महारैली का तारीख कौन सा था? 21 तारीख। 21 तारीख 21 तारीख। मेरा नामांकन का तारीख कौन सा था? 29 तारीख 29 तारीख। जी तो अगर मैं आपको रीसेंट न्यूज दूं, तो आपने अगर देखा होगा, आपने, पता नहीं, मैं आपको बताना हाँ, चाहूंगी हमने कवर भी वो। किया हाँ जी, तो जी। उस दिन मेरा पूरा परिवार, विषम गुरु शिबू सोरेन जी हों, बसंत जी हों, अंजनी सोरेन जी हों जो मेरी ननद हैं, जी और साथ ही साथ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हमारे अभी वर्तमान के सीएम सर हों, चंपई सोरेन जी हों, माननीय सारे हमारे कांग्रेस के, राजद के और माले के जितने भी सारे लोग थे, इंडिया गठबंधन के लोग थे, उनका पूरा आशीर्वाद उस दिन था। और जहां मैं आपको कहूं कि बसंत सोरेन जी के बाद, बसंत सोरेन जी हमारे परिवार का एक मजबूत स्तंभ है, और वो स्तंभ इतना मजबूत है कि बाहर बाहर में जितनी भी चर्चाएं चलती हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक सिपाही, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ही खड़ा है।
फिर इंडिया ब्लॉक की रैली में उनके एब्सेंस का कोई मेजर कारण रहा होगा? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि वो पुरानी बात हो गई थी जी जी। और उसके बाद में अगर आप रिसेंट में देखेंगे उनकी उपस्थिति, तो उनकी उपस्थिति ही ये सब चीज बता दे रही है कि हम लोग सब साथ में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा सब साथ में है जी। अच्छा, क्या मैं भविष्य में झारखंड के मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? क्या आप पार्टी का नेतृत्व संभालेंगी या चंपई सोरेन सरेखिये पार्टी के वफादार पर ही कमान का भार छोड़ देंगे? अभी आपके सवाल का मेरा ये जवाब है कि मेरा अभी, क्योंकि उपचुनाव है गांडे का, तो मेरा सारा ध्यान केंद्रित है अभी सिर्फ गांडे उपचुनाव में। और साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टार प्रचारक भी हूं, तो मुझे पार्टी के और अपने गठबंधन में भी जहां जहां जाना होगा तो मैं वहां वहां जाकर के इस प्रचार को आगे बढ़ाऊंगी और चुनाव के में अपने इंडिया गठबंधन के लिए, अपने जेएमएम के प्रत्याशियों के लिए, सब प्रत्याशियों के लिए, इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए भी जाऊंगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी मेरा सारा ध्यान यहां केंद्रित है। और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं चंपई सोरेन जी हैं, वो हेमंत जी के नेतृत्व में पहले भी उन्होंने काम किया है और उनको बहुत अनुभव है, वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। तो मैं ये, मुझे ये पूरा विश्वास है कि उन्होंने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये अभी सवाल मुझे लगता है कि इस समय में पूछना भी एक, आप कह सकते हैं कि अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के बाद की, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़े रहे हैं और साथ साथ हम जीतने के लिए भी पूरे के पूरे एकदम तैयार हो चुके हैं कि ये 14 की 14 सीटें हम लोग जरूर जीत करके आएंगे। चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अगर आपका नेतृत्व, जेएमएम का केंद्रीय नेतृत्व आपको कहता है कि आप कमान संभाल लें मुख्यमंत्री का, तो आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, मैं इसमें आपको फिर वही मैं घूम के आना चाहूंगी। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सिपाही हूँ और मैं सच्ची सिपाही हूँ, और ये सिपाही वही काम करता है जो उनके आला कमान कहते हैं। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हेमंत जी, और न्यायपालिका पे भी विश्वास है कि हेमंत जी जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। अब उसके बाद क्या स्थिति आएगी, क्या परिस्थिति आएगा, ये इसका कहना तो मुश्किल है कि आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं जी। तो जैसा रहेगा वो उसके बाद ही समझा जाएगा, उसके लिए तो अभी मेरा उत्तर देना भी अनुचित हो जाएगा जी जी। क्या चंपई सोरेन जी आपसे सलाह लेते हैं सरकारी मामलों में? सरकारी मामलों में ना ना ना, ना कि कैसे गवर्नेंस करना है? नहीं नहीं नहीं, या आप उनको देती हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो अनुभवी हैं, वो बहुत हमारे पुराने और हमारे एकदम सीनियर लीडर हैं और वो बखूबी जानते हैं अपनी जिम्मेदारी। तो मैं कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मेरी तरफ से तो कभी कुछ नहीं जाता है। क्योंकि आपके प्रखर विरोधियों जैसे आप बीजेपी, इनका हमेशा आरोप रहता है कि चंपई सोरेन जी हैं लेकिन सरकार वास्तविक रूप से आप ही चला रही हैं और अपरोक्ष रूप से आप चला रही हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? मैं आपको क्या बोलूंगी, अब भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी वालों ने, तो मुझे लगता है कि भ्रम फैलाने का पूरा ठेका इन्होंने ही लेके रखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसे जुमलेबाजे वाली सरकार है जो सिर्फ झूठ बोलना जानती है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2014 में इन लोगों ने जब चुनाव जीता था, उस समय में इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए थे, रोजगार के वादे किए थे इन्होंने, लोगों की दुगनी आय करने के लिए वादा किया था, हम खाते में पैसे डालने का वादा किया था, तो ये जो वादे किए थे वो तो भूल गए, लेकिन झारखंड के बारे में इन लोगों ने कभी सोचने का क्षमता भी नहीं रखा और क्षमता है भी नहीं। क्योंकि झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1932 का खतियान की नीति उन्होंने लाने का प्रयास किया, विधानसभा से पारित करवाया, उसके बाद में आपका सरना धर्म कोड, आदिवासी सरना धर्म कोड, उसको बढ़ाने का काम किया, पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण का बात किया। अगर आप इतने ही काबिल थे तो आपने यहां से उठाए हुए हमारे इन मुद्दों को क्यों नहीं प्रखरता के साथ झारखंड हितों के लिए आप लोगों ने रखा? ये मेरा, मैं यही चीज जानना चाहती हूं, क्योंकि जब जो इतने झूठ बोलते हैं, इतने जुमलेबाजी करते हैं, उन लोगों के फैलाए हुए भ्रम पे किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा यही चीज है कि जो इतना झूठ बोलना सीख चुके हैं वो झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। आपका मतलब है ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं आपके खिलाफ? अब देखिए, अब
यही कहा काम ही है, क्योंकि काम करने की सरकार को इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हेमंत जी के 4 साल के नेतृत्व में जितनी योजनाएं लागू की गई हैं, आपको तो योजनाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सर्वजन पेंशन की योजना, ये वो योजना है जो हम लोगों को केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, लेकिन हमको केंद्र सरकार ने हमारे झारखंड में इसको बंद करवा दिया। और सर्वजन की पेंशन की योजना आज हमारे पूरे झारखंड में सब वर्गों को मिल रही है, जिसकी उम्र 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष भी कर दी गई है। तो सर्वजन पेंशन की योजना हो, हर राशन कार्ड की योजना हो, अब वो आवाज देने की योजना हो, सावित्रीबाई फूले देने की योजना, बहुत सारी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं और बहुत सुचारू ढंग से भी चल रही हैं। इन लोगों ने कभी काम करना सीखा ही नहीं, और जो काम कर रहा था उनको ये काम करने देना चाहते नहीं है। तो ये जुमलेबाज वाली सरकार है, केंद्र में बैठे यही सरकार है, और ये खुद भी काम नहीं करेंगे और जो दूसरे कर रहे हैं उनको जेल के अंदर में डालने का काम करेंगे। जी जी, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी उसी ढंग से हुई है जिस तरीके से हेमंत जी की हुई है। मैं आपको वही बोल रही ना, जो काम करना चाहता है या जो सरकार झारखंड के लिए, देशवासियों के लिए काम करना चाहती है, जो दिल्ली वालों के लिए, जैसे आपने केजरीवाल जी के लिए पूछा, वो वहां के लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं और काम कर भी रहे थे, इनको वो व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है जो इनके लिए, जो हमारे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन लोगों के लिए काम कर रहा है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और तकलीफ तब जब हो जाती है कि जब इनके भाजपा शासित राज्यों में ऐसा कोई काम कर रहा होता है, तब ये सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां इनकी अपनी सरकारें नहीं होती हैं, वहां के लोगों को ये लोग बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये गिरफ्तारी भी उसी ढंग से षड्यंत्र के तौर पे ही की गई है, और चुनाव से पहले उनकी, तो मुझे लगता है अगर मैं गलत ना हूं तो उनको शायद से कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में ही गिरफ्तार किया गया था। तो आप ये खुद सोचिए कि चुनाव किस तरीके से आप कराने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी को गिरफ्तार जब कर ही रहे हैं तो आप किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, आप संविधान को हम कैसे बचा पाएंगे? जब हम संविधान को बचा नहीं पाएंगे, हम अपने हक अधिकार को नहीं बचा पाएंगे, तो हम आगे कैसे इस चीज को रोकेंगे? आपने गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, आप अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मैं गांडे के लिए मैं सबसे पहले पार्टी को, दिशम गुरु जी, शिव सोरेन जी को, हेमंत जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है, और मैं अपनी जीत के लिए पूरी आश्वस्त हूँ। और वे जितनी, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि मैं बहुत भ्रमण कर रही हूँ, गाँव जा करके लोगों से मिल रही हूँ, उन लोगों से पूछ रही हूँ, तो वो अपनी पूरी की पूरी शिकायत है या जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो मुझसे साझा कर रहे हैं। तो वो मैं एक तरफ में रखती जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे किन किन कामों को करना है। तो मैं लोगों से मिलते जा रही हूँ और लोगों से जान रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ना होगा, किन कामों को पहले प्राथमिकता देनी होगी। तो आपकी आगामी रणनीति क्या होगी? आगामी रणनीति यही है कि ये चुनाव अगर मुझे, मैं इसमें जीतती हूँ, और यहाँ खास करके गांडे के लोगों के लिए जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर, मैं उसको प्रमुखता के साथ, उसका क्या समाधान हो सकता है, मैं उस समाधान में काम करूंगी और यहाँ की बेहतरी के लिए काम करूंगी। और जितने भी हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, जो भी है, जो भी आएंगे, वो सब में मैं अपना काम जरूर सबसे पहले करना चाहूंगी, क्योंकि आप जान भी रहे होंगे कि अभी 6 महीने के बाद फिर से विधानसभा है, तो मुझे काम करने का जो भी वक्त मिलेगा, 3 से 4 महीने जो भी वक्त मिलेंगे, मैं पूरी अपनी क्षमता लगा दूंगी और पूरा काम करने का, यहाँ पर मैं जितने भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने का पूरा कोशिश करूंगी। असेंबली इलेक्शंस जो ड्यू हैं इसी साल, उसमें आपका क्या प्रोजेक्शन है? आप जेएमएम क्या वापस चुनकर आएगी और कितनी सीट्स हैं? आपको क्या लगता है कि हेमंत जी का जो अरेस्ट हुआ है उससे ट्राइबल सेंटिमेंट्स अराउज हुआ है, आपके प्रति सिंपैथी है? इसका जवाब जो है वो आपको उलकुलान न्याय महारैली में दिख गया होगा, क्योंकि हम लोगों का जो लोगों के बैठाने की क्षमता भी थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आई थी, और उस दिन का तापमान भी बहुत ज्यादा था, और उस चिलचिलाती धूप में पूरे झारखंड से, 24 जिलों से लोग आए थे, और वो सिर्फ अपने
नेता अपने भाई अपना बेटा हेमंत सोरेन जी के लिए आए थे, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कहीं ना कहीं सबके अंदर में एक चुभ रही है, और ये जो चुभती हुई ज्वाला है उसको कि हम हेमंत जी के साथ हैं ये दिखाने के लिए सारी की सारी जनता, मैं सिर्फ आदिवासी नहीं बोलूंगी, झारखंड की सारी जनता उस दिन वहां एकत्रित हुई थी। तो वो जन सैलाब देख के ही ये पता लग गया था कि चुनाव हम जीत चुके हैं, बस औपचारिकता बाकी है, हम उस औपचारिकता का इंतजार कर रहे हैं। और हमको पता है कि हवा बदल चुकी है और सब हवा हेमंत सोरेन जी के पक्ष में ही है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही है। आप 81 से कितनी सीट्स लाएंगे? अब तो ये आने वाला चुनाव में हम लोग कैसे करेंगे और किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा, ये तो रणनीति जब बनेगी तैयार होगी तब इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और मेजॉरिटी के प्रति आश्वस्त? एकदम पूरी तरीके से। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें झारखंड में इंडिया ब्लॉक कितनी सीट्स ला पाएगा? हम लोग 14 से 14। आप आश्वस्त हैं कि 14 में से 14 आप ले? एकदम। किस लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये वो केंद्र की सरकार जो इतनी तानाशाह हो गई है और झारखंड में इतनी तानाशाह हो गई है, और मैं सिर्फ झारखंड का बात इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ, उसके साथ साथ भी आप खुद देख सकते हैं कि मणिपुर में जो घटना हुई, वो मणिपुर में घटना वो इतने महीनों तक जलता रहा लेकिन उसकी सूद लेने वाले कोई नहीं थे। अब जब उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था, आज आप वहां के जब सवाल उठते हैं आप वहां के जवाब नहीं देते हैं, वैसे ही हमारा झारखंड भी है और यहाँ पे भी आदिवासी की आबादी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ हमारे सभी वर्ग के लोग हैं बहुत त्रस्त हो गए हैं, और वो इसलिए त्रस्त हो गए हैं कि हम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार से वो हमको नहीं मिली। और हेमंत जी ने जब तक वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपने झारखंड सरकार की निधि से वो सारी योजनाओं को धरातल पे लाने का काम किया जो केंद्र सरकार ने उसको निरस्त कर दिया था। तो अब ये और ये अब जन जन मानस जानता है कि केंद्र सरकार हमेशा से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती आई थी। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1,36,000 करोड़ जब हम मांगते हैं केंद्र सरकार से तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। आप ये मुझे बताइए, जब 1,36,000 करोड़ हमारा हक है तो वो आपको देना ही होगा, अगर आप उससे पीछे हटते हैं आप तो ये आप बता देते हैं कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, और हर वो हक जो हमारा होना चाहिए था वो आप हमेशा छीन लेते हैं। तो ये झारखंड का हर एक व्यक्ति समझ चुका है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है, और ये तानाशाह ताकत जो बैठी हुई है केंद्र में उसको उखाड़ फेंकने का काम कर चुका है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि उस तानाशाह ताकत को उखाड़ फेंकेंगे, और बीजेपी का जो नारा है कि 400 अब की बार 400 पार देश में, उस पर क्या आकलन है आपका? देखिए 400 पार अगर मैं देखूं आपको, झारखंड के जो जनमानस है जो लोग हैं वो इतने आक्रोशित हैं कि उनका तापमान 400 पार जरूर हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि ये लगातार झारखंड के लोग अपने आप को हमेशा से सौतेला ही महसूस किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमेशा हमको सौतेला महसूस कराया है। हमको हमेशा, हम लोग गरीब नहीं हैं, यहाँ की खनिज संपदा आप निकाल के लेके जाते हैं, यहाँ के सब अंदर से खजाने जमीन से लेकर के जाते हैं, लेकिन हमको बदले में आप कुछ नहीं देते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब हम अपने हक का 1,36,000 करोड़ बार बार मांगते हैं तो हम कौन सा गलत काम करते हैं? तो आप पहले हमारे अधिकारों को हमारे पास हमको पहुंचाइएगा नहीं, और आप बात करिएगा कि हम इसका विकास कर रहे हैं तो झारखंड का विकास तो नहीं हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, झारखंड सरकार ने अपने निधि के द्वारा से जितनी भी योजनाएं धरातल पे उतारी हैं वो उससे झारखंड के लोगों को, झारखंड के बाशिंदों को, सबको बहुत ही लाभ पहुंचा है, और ये अब झारखंड की जनता जान चुकी है। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण ही क्या आप लोगों ने अबुआ आवास जैसी योजनाएं लाई? देखिए 2021 के बाद पीएम आवास की जो योजनाएं थी वो हमारे झारखंड में बंद कर दी गई, और बंद कर देने के बाद हेमंत जी ने ये देखा कि यहाँ के जो लाभुकों को हमको ये योजनाएं देनी थी उनको उसी आवाज से
उस आवास को आवास योजना, अबुआ आवास योजना के नाम पे परिवर्तित किया गया, और परिवर्तित करके इसको 2 कमरे के बजाय 3 कमरे का ये योजना बनाया गया, और जिससे ताकि जिन लोगों के घर मजबूत छत के ना हो उन लोगों को ये योजना से ज्यादा जोड़ा जा सके। जी, एक प्रश्न और, हेमंत जी क्या कैंपेनिंग करेंगे, आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बेल पर बाहर आ जाएंगे? मुझे तो पूरा न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि हेमंत जी को जल्द से जल्द मुझे लगता है कि बेल मिलना चाहिए, और इसीलिए ही इस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि हेमंत जी भी इस चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में इस चुनाव में प्रचार भी करेंगे, लोगों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे राजनीति में प्रवेश करें? अभी तो वो बहुत छोटे हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं, मैं तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगी, क्योंकि बच्चे आजकल अपना भविष्य का रास्ता अपने से खुद से चूज करते हैं और चुनते भी हैं। अब फिलहाल के तौर पे तो मैं नहीं चाहूंगी कि अभी वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अभी उनका जो करियर है उस पे फोकस करें, और ये तो बात की बात है। इसमें अभी बच्चों के मन की चीज अभी कुछ पूछना या उसमें कुछ बदलाव करना मैं नहीं चाहूंगी, उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने देना चाहिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एडुकेशनल बहुत क्वालिफाइड हैं, बीटेक हैं, एमबीए हैं, और 4 लैंग्वेजेस पे आपकी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया एंड बंगाली। तो कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन योर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो फॉर आवर व्यूअर्स? स्पेशली इट्स लाइक माई फादर इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड वी आर 2 सिस्टर्स, सो वी हैव बीन ट्रेवल टू मैनी प्लेसेज इन इंडिया, एंड आई बॉर्न इन पंजाब and I lived in Haryana, UP, Bengal and everywhere, and lastly when after retiring we came back to Odisha. Odisha is our hometown, and there I have continued my further education, like I have done my 10th, 12th and engineering, and after that I have done my MBA after my marriage, even after my first child also. So these are the periods I have gained so much from my parents, because they have always supported me, and my mother-in-law, father-in-law, even my husband, he is my backbone. So I feel myself lucky, I got such a great family, और मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके अगल बगल में इतने सकारात्मक लोग हों तो आपके अंदर में ऊर्जा ऐसे ही आ जाती है, तो ये देख करके बहुत अच्छा महसूस होता है। Thank you so much for talking to PTI. We wish you all the best. And thank you so much, Namita ji. It's a great meet with you, and I'm so privileged. It's a nice talking to you. And thank you so much. And it's a Jharkhandi Johar from my side, from Hemant ji also, and from entire family of Jharkhand Mukti Morcha. And thank you so much for calling. Thank you so much. Johar. Johar. Thank you.